निखरी त्वचा मतलब ग्लोइंग स्किन। आज के डेट में ऐसा कोई भी नहीं है जो अपने स्किन को ग्लोइंग, हाइड्रेट और ब्राइटन नहीं रखना चाहता। अगर आपका स्किन ग्लोइंग, हाइड्रेट और ब्राइटन रहता है तो वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी बूस्टअप करता है। तो चलिए गाइज, आज के वीडियो में ऐसा ही एक रेमेडी के बारे में हम लोग जानेंगे जो हमारे स्किन को हेल्दी रखेगा, ग्लोइंग रखेगा और ब्राइटन रखेगा। मैं बात कर रही हूँ उपटन के बारे में। इंडियन आयुर्वेदा में भी उपटन का जिक्र किया गया है और उपटन को सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है स्किन को ग्लोइंग, ब्राइटन और हाइड्रेट रखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का और एक स्किन केयर का वीडियो। निखरी त्वचा पाने के लिए लोग घर पर ही उपटन का इस्तेमाल करते हैं और ये त्वचा पर प्राकृतिक ग्लो लाने का काम करता है। त्वचा की देखभाल के लिए बहुत से लोग घरेलू नुस्खों को आजमाते हैं और इन्हीं में से एक लोकप्रिय नुस्खा है उपटन। शादी हो या फिर त्यौहार, बहुत से लोग आज भी प्राकृतिक ग्लो पाने के लिए उपटन का इस्तेमाल करते हैं। वैसे शादी में भी एक रस्म रखा गया है, हल्दी का रस्म, और इस रस्म में भी दुल्हन को दूल्हे को उपटन लगाया जाता है ताकि उसका स्किन नेचुरली ग्लो करे। उपटन को हल्दी, बेसन और दूध को मिलाकर तैयार किया जाता है और प्रदूषण के कारण त्वचा पर कालापन नज़र आने लगता है उसको दूर करने के लिए उपटन बेहतरीन काम करता है। सिर्फ चेहरे से कालापन ही नहीं दूर करता है, उपटन लगाने के और भी बहुत सारे हैं फायदे। चलिए जानते हैं उपटन के क्या क्या है फायदे। सबसे पहले जानेंगे उपटन आप घर पे तैयार कैसे कर सकते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग उपटन बनाने की विधि बताते हैं। आज मैं आप लोगों को सबसे आसान सा विधि बताने वाली हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है एक चम्मच बेसन का पाउडर, इसके साथ मिलाना है आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, दो चम्मच खट्टा दही और दो चम्मच शहद भी आप इसके साथ मिला लीजिए और इनको मिक्स करके एक पेस्ट तैयार कर लीजिए। अब इसी पेस्ट को आपको इस्तेमाल करना है अपने चेहरे पे। इसको सूखने तक लगा रहने दें और उसके बाद ठंडे पानी से इसको धो दीजिए। धोने के बाद कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर आप अपने चेहरे पे जरूर लगा लीजिए। अगर बचपन से ही आप घर के छोटे बच्चों को उपटन लगाते हैं तो उनके स्किन पे डिसकलरेशन का प्रॉब्लम नहीं रहता है और उपटन बहुत ही नेचुरली तैयार किया जाता है, इसीलिए उपटन लगाने के बाद स्किन पे ग्लो भी आता है। और अगर आपके स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम है, छोटे मोटे दाग धब्बे हो गए हैं, उसको भी उपटन ठीक कर देता है। उपटन में बाकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तरह कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं होता है, इसीलिए ये स्किन के ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं डालता है। इसको हम त्वचा पर लंबे समय तक इस्तेमाल भी कर सकते हैं और ये हमारे त्वचा में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। बहुत से लोगों को हाइपर पिगमेंटेशन और अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम होती है और उसको ढकने के लिए वो लोग चेहरे पे हैवी मेकअप का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। जब भी आप मेकअप को रिमूव करोगे आपका स्किन वैसे का वैसा ही रहेगा। उसको ठीक करने के लिए आप भी उपटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके स्किन पे हाइपर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, आप उपटन के साथ थोड़ा सा फिटकारी का पाउडर या फिर थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर मिलाकर अपने चेहरे पे अच्छे तरीके से लगाइए। लगाने के बाद इसको सूखने दें और उसके बाद ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो दीजिए। इससे आपके चेहरे से हाइपर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम और अनइवन स्किन टोन का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। उपटन में रहता है बेसन जो हमारे स्किन को लाइटली एक्सफोलिएट करता है। बेसन में छोटे छोटे ग्रैनुअल्स रहते हैं जो स्किन को नेचुरली एक्सफोलिएट करता है और हमारे स्किन की जो डेड स्किन्स है उसको आसानी से रिमूव करता है। अगर आप अपने स्किन से पुराने डेड स्किन्स को रिमूव करके नया स्किन सेल्स जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप उपटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके स्किन के पोर्स भी क्लीन रहेंगे और डेड स्किन भी आसानी से रिमूव हो जाएगा। गर्मियों के मौसम में हमारा स्किन हो जाता है बहुत ज़्यादा रूखा और खिंचा खिंचा, और हम लोग अगर सही तरीके से पानी नहीं पीते हैं और उसके साथ सही तरीके से स्किन केयर नहीं करते हैं तो हमारे स्किन पे उसका असर भी दिखता है और हमारा स्किन बेजान रहता है। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए आप उपटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उपटन के साथ आप रोज़ पेटल पाउडर को भी मिला सकते हैं, थोड़ा सा चंदन का पाउडर भी मिला सकते हैं और उससे आप अपने स्किन के ऊपर लगा सकते हैं। तो स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कुछ इस तरीके से आप उपटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो त्वचा के बहुत सारे समस्याओं का समाधान करने के लिए कुछ इस तरीके से आप उपटन घर पे तैयार कर सकते हैं और अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। अलग अलग प्रॉब्लम के लिए उपटन के साथ आप अलग अलग इन्ग्रीडियंट्स को मिला सकते हैं, इससे आपको और भी बेहतर रिजल्ट मिलेगा। मुझे अपने स्किन पे थोड़ा सा ब्राइडल ग्लो चाहिए था और चाहिए था स्किन मेरा हाइड्रेट रहे, इसीलिए मैंने एक सिंपल सा उपटन का रेसिपी तैयार किया और उसको अपने चेहरे पे 7 दिनों तक लगाया।
तो 7 दिनों तक मैंने उपचन को अपने चेहरे पे लगाया था और सारा दिन में मैंने उपचन को एक बार ही लगाया था। इस वीडियो में आपको विंटर के कुछ फुटेज मिल जाएंगे क्योंकि ये वीडियो मैंने दिसंबर में शूट किया था। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैंने इस वीडियो को अपलोड नहीं करा था, तो अभी मैं अपलोड कर रही हूँ गाइस। मेरे चेहरे पे कुछ काले धब्बे आ गए थे जिसको मैंने ठीक करा था उपचन की मदद से, क्योंकि मैं अपने चेहरे पे हार्श केमिकल वाले मेकअप प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हूँ। कभी कभार उनसे बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो जाता है और चेहरा बहुत हद तक डिहाइड्रेटेड और ब्लैकिश हो जाता है, मतलब चेहरे के साथ गले का कलर मैच ही नहीं करता है, कोई भी चीज़ लगा लो। लेकिन उपचन लगाने के बाद वो प्रॉब्लम दूर हो गया था। कुछ एक जगह पे बॉडी एक्ने का इशू था, उसको ठीक करने के लिए मैंने उपचन के साथ थोड़ा सा नीम पाउडर और एप्पल साइडर विनीगर मिलाकर भी लगाया था। उसके बाद मेरे शरीर से जो बॉडी एक्ने का प्रॉब्लम था वो भी दूर हो गया था। और 7 दिनों तक चेहरे पर लगाने के बाद बिफोर और आफ्टर का फुटेज अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट मुझे दिखा। चाहे तो उपचन को हर दिन लगा सकते हैं, लेकिन उपचन में बेसन रहता है जो हमारे स्किन को लाइटली एक्सफोलिएट करता है और ओवर एक्सफोलिएटिंग अच्छा नहीं होता है। मैं आप लोगों से यही सजेस्ट करूंगी कि आप उपचन को एवरी अल्टरनेट डेज लगाएं, मतलब हफ्ते में 3 से 4 दिन लगाइए, 1 दिन गैप देकर लगाइए। इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपका स्किन हेल्दी भी रहेगा। उपचन लगाने के बाद किसी किसी को चेहरे पे बॉडी पे थोड़ा सा ड्राइनेस और ईचिंग की प्रॉब्लम होती है। अगर आपको भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम फील हो रहा है तो अपने बॉडी में उपचन लगाने के बाद एक अच्छा सा बॉडी लोशन जरूर लगा लीजिए और चेहरे पे अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। तो ऐसे ही अपने कम्प्लेक्शन को निखारने के लिए मैंने उपचन का इस्तेमाल करा था और 7 दिनों तक उपचन को लगाने के बाद मेरे स्किन पे जो ब्लैक पैचेस थे, बॉडी एक्ने थे, स्किन पे छोटे छोटे पिगमेंटेशन के स्पॉट्स भी आ गए थे, वो भी आसानी से दूर हो गए थे। सो आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाई दिस उपचन रेसिपी। ये था मेरा आज का वीडियो गाइज उपचन के ऊपर। वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल है कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।